हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2019 का सीटेट का क्वेश्चन। ठीक है, ये 2019 के सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र जो हैं शतरंज खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आपको क्या पूछा है कि वॉलीबॉल कितने बच्चे खेलते हैं। ठीक है, 160 बच्चे खेलते हैं। ठीक, तो पहले हम इसके सोल्यूशन करने से पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं। यहाँ पे टोटल जो छात्र हैं वो यहाँ पे कितने हैं, एक्स। ठीक है, अब 1/4 खेलते हैं। ठीक है, 1/4 का खेलते हैं, सॉरी पहले वॉलीबॉल की संख्या लिख लेते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे ये कितने हैं, ये हैं 160। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे x का 1/4। ठीक, टोटल इतने हैं, 1/4 क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 160 है। तो ये देखिए, अब यहां से यहां पे ये किसके है, ये है यहां पे भाग के रूप में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 160 × 4 तो ये कितना आ जाएगा, 640। तो x क्या था, टोटल छात्र। ठीक है, तो हमारे कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र हो गए 640। ठीक, अब कुल छात्र जब 640 हो जाते हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो शतरंज कितने खेलते हैं, 1/16, तो शतरंज खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले छात्र, अब इसको कैसे करेंगे, शतरंज खेलने वाले कितने, 1/16, तो 1/16 टोटल कितने बच्चे हैं, 640, 640 से हम इसको भाग कर देंगे, 16 × 64 और 0, तो शतरंज खेलने वाले छात्र हैं कितने, 40। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो शतरंज कितने छात्र खेलते हैं, ये खेलते हैं 40। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।